नमस्कार, आप देख रहे हैं पावर ऑफ जनाधिकार न्यूज। पल-पल की खबरों पर नजर, और इस वक्त मैं आपके साथ हूं ज्ञानो कुमार दीक्षित। सबसे बड़ी खबर, खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो या फिर हो जनता से जुड़े मुद्दों की या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की, आपके जिले की हर खबर। उत्तर प्रदेश जनपद सीतापुर से सबसे बड़ी खबर, जी हां, आपको बताते चले, 2 साल से शादी का झांसा देकर बनाता रहा वे संबंध। विवेक दीक्षित की रिपोर्ट। सीतापुर रामपुर मथुरा सीतापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत टिकटा ग्राम पंचायत के टपरा निवासी शहबान अली की 20 वर्षीय लड़की अफसाना को पड़ोस के ही अब्दुल मन्नान पुत्र अब्दुल सलाम ने विगत 2 वर्षों से शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर आवेश संबंध बनाता रहा। जब बात खुली तो बाप बेटे दोनों ने दिनांक 3 जुलाई सन 2020 को लड़की के पक्ष के पैरों में गिरकर मांगी माफी व शादी करने की बात स्वीकार किया। निकाह तय तिथि के हिसाब 7 सितंबर 2020 को होना था, जिसमें लड़की पक्ष ने अपनी सारी जमीन बेचकर मांगे गए दहेज, मोटरसाइकिल, बेड फ्रीज, कूलर, आलमीरा, नगद आदि सहित बारात स्वागत की भी उचित व्यवस्था किया। लेकिन दहेज के लालची बारात लेकर नहीं आए, जिससे शहबान अली व उनके परिवार को सामाजिक अपमान व दंश झेलना पड़ रहा है तथा लड़की पक्ष शहबान अली को अपनी अचल संपत्ति सहित लाखों का नुकसान उठाना पड़ा। तुम्हारा क्या नाम है? अफसाना। पापा का क्या नाम है? शहबान। कहाँ रहती हो? टपरा पे। टपरा थाना कहाँ लगता है? रामपुर मथुरा। रामपुर मथुरा। तो तुम्हारा प्रकरण क्या है? शादी का कोई प्रकरण है? क्या प्रकरण है बताइए? जी, हमारा उनसे संपर्क था। कब से? 2 साल पहले से। 2 साल पहले से जी। तो शादी नहीं हुई? जी शादी नहीं हुई, शादी की बात हुई थी जी, तो उसने कहा 1 महीना का समय लिया था शादी करने के लिए। हाँ, फिर? फिर उसने कहा हम शादी नहीं करेंगे, दहेज मांगा सैगर, ज़्यादा दहेज मांगा उसने। फिर हमारे घर जी हमारे घर वाले पास इतनी व्यवस्था नहीं थी। तो कुछ व्यवस्था किया था पापा ने तुम्हारे? नहीं किया घर वालों जी, थोड़ा बारा व्यवस्था किए थे दहेज को। कैसे व्यवस्था किया था? जमीन बेच के। हाँ, उसके बाद? उसके बाद उसने कहा हम शादी अभी नहीं कर पाएंगे, 2 महीना के बाद करेंगे। मतलब आप फिर बताने 2 महीने के बाद करेंगे? अब तो ऐसा नहीं बताने की बता रहे हैं जी, अब नहीं कह रहे हैं। मतलब बारात लेके आए? नहीं आए। नहीं, बारात लेके नहीं आए हमारे घर पे। हाँ, तो मतलब कि बारात की व्यवस्था यहाँ हो गई थी शादी वादी जी? सारा खाना का व्यवस्था, दहेज सारा आ गया था, सब रिश्तेदार मेहमान घर पे आ गए थे। हाँ, लेकिन वो लोग बारात लेके नहीं आए। वो बुलेट मांग रहे हैं दहेज में, हमारा बाप गरीब है, 2 लाख रुपया मांग रहे हैं जी दहेज में, बुलेट मांग रहे हैं। इसलिए शादी नहीं कर रहे हैं कि अब 2 लाख रुपया बुलेट की डिमांड है उनकी जी? वो 2 लाख रुपया मांग रहे हैं, बुलेट मांग रहे हैं, कहते हैं हम शादी तभी करेंगे जब बुलेट दोगे, 2 लाख रुपया दोगे। अच्छा, वरना शादी नहीं करेंगे? वरना शादी नहीं करेंगे। ठीक। आपको भैया क्या नाम है? मोहम्मद रिजवान। कहाँ रहते हैं आप? चिखड़ी धंधा। पिताजी का क्या नाम है? वारिस अली। यहाँ आप कहाँ आए हैं? यहाँ मेरे साढ़ू की लड़की की शादी है। किस गाँव में आए हैं? रामपुर। रामपुर टपरा बोला जाता है मोहल्ले का नाम। अच्छा, तो शादी हो गई? जी नहीं, अभी नहीं। हाँ, क्या कोई प्रकरण विवाद कोई चल रहा है? सर, इसके बारे में विवाद तो शायद चल रहा है, मगर हमको पूरी जानकारी नहीं है, मगर विवाद तो है। आपका क्या नाम है? फारूक। यहाँ पर क्या विवाद चल रहा है? यहाँ तो यह शादी का झगड़ा लड़ाई चल रहा है। क्या झगड़ा? शादी नहीं हो पा रही? नहीं हो पा रही। क्यों नहीं हो पा रही? अब वही झगड़ा बवाल चल रहा है। तो आखिर क्या है, तो कुछ बताएंगे? अरे वही झगड़ा बवाल, शादी जो है वो शादी करे कहीं ना, जो नहीं आज बारात आओ तो बारात नहीं ला रहे हैं, अब उसमें जो है थाने जाना हो रहा है। आखिर क्यों नहीं ला रहे हैं? आपका क्या नाम है? साहबुद्दीन। कहाँ रहते हैं? ये टपरा पे। टपरा में। शादी किसके घर में है? शादी इनके शाहबान के घर में। मतलब आपके कौन है वो? हमारे बड़े चच्चे के लड़के हैं। बड़े चच्चे लड़के हैं। तो क्या विवाद है बताइए? उनके विवाद इसलिए है कि जो शादी नहीं हो रही है, वो बता रहे हैं कि दहेज इतना ले, हम लोग दहेज भी लेके आते, फिर लोग शादी नहीं करेंगे। नहीं, तो आप आखिर क्यों नहीं कहते? दहेज कुछ ज्यादा मांग रहे हैं क्या? ज्यादा, बहुत दहेज ज्यादा मांग रहे हैं, शादी नहीं कर, बहुत दहेज सारा लेंगे। बुलेट फिर हम लोग आ गई, कहते हैं बुलेट आई कि नहीं आई? बरात नहीं, वो कह रहे हैं बरात नहीं लेकर आएंगे, हम बुलेट लेंगे सब चीज़। और तारीख में हम लोग 25,000 दिए थे। अच्छा अच्छा, चलिए। दहेज के लिए ये मोटरसाइकिल देना है?
ये सब दहेज का सामान है और फिर भी सही ना सर, इसको रख देता है।